अजे तक तो ना पूरे दुनिया के और ना ही साढ़े मुल्के पाकिस्तान के हालात कोई सवर सके हैं। कोरोना वायरस इस दी वबा भी दिन ब दिन फैलती जा रही है। भाई अब्दुल मनान दस रहा सी कि हकूमत की तरफों ये भी आर्डर है कि करीब हो के ना बैठो, दूर हो के बैठो तद भी बयान सुनेगा, करीब हो के बैठे तद भी सुनिंदा है। तो जो हकूमत का हुक्म है उसकी तामील करिए, इंशाअल्लाह बयान सुनेगा भी, नफा भी देगा, फायदा भी देगा। असी अल्लाह ताला दी जात तो पुर उम्मीद हाँ, इंशाअल्लाह रहमान रमजानुल मुबारक दी आमद ते इस दियां जेड़ियां बरकतां ने रमजानुल मुबारक दिया, इस दी वजह तो और खसूसन जदों असी रोज़े रखांगे इन्हां रोज़ियां दी बरकत दी वजह तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला अपने फजलो करम दे नाल साढ़े कोलो बीमारियां दूर लै जाएगा, वबा नूं दूर लै जाएगा। यकीन ईमान तो होना चाहिए, एहतियात तो अल्लाह ताला दा कुरान भी दसद, फरमाया इस दे करीब ना जाओ, इस दे करीब ना जाओ, इस दे करीब ना जाओ। और प्यारे आका जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वड्डा हकीम कायनात दे अंदर कोई आया ही नहीं, उन्ना तो वड्डा सियाना, उन्ना तो वड्डा दाना बीना अल्लाह ने पैदा ही कोई नहीं किया और ना क्यामत तक आ सकता है। तो प्यारे आका ने भी सानू एहतियात बरतन की तलकीन की, तो लिहाजा एहतियात जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने सानू दसे ने इस मौके पर उन्हां दा इस्तेमाल करना चाहिए, उवें एहतियात बरतने चाहिए हैं। पंज वक्त की असी बाकायदगी दे नाल नमाज पढ़िए और बावजू रहीए, इंशाअल्लाह रहमान ये वबावां साढ़े तो दूर रहनगियां। प्यारे आका दे जिहड़ा सुबह शाम दे अज़कार दसे ने सानू जरूर करने चाहिए ने, आज तो रूटीन बना लीए, आदत बना लीए। और हकीकत बात यह कि जिन्ना असी इस बीमारी तो डर रहे हैं और सानू मौत का डर लगे, मौत ना आ जाए, मौत ना आ जाए, यकीनी बात है अगर इन्ना डर अल्लाह की जात का साढ़े दिल के अंदर हुंदा ना, शायद कि असी वली बन जाते।